अगर एक भी बच्चा अपने दिल में मेरी बातों को बैठा ले और उसकी जिंदगी बन जाए, सो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवरत्न अग्रवाल है और हमेशा की तरह आज मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप में से जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग सीख के आए हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई सा भी कोर्स करके आए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कितनी प्रैक्टिस आपने घर जाने के बाद की है और दोस्तों क्या वे है आपके प्रैक्टिस करने के, क्योंकि आज मैं इसी वे के लिए बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे स्टूडेंट के लिए भी हैं और ये वीडियो उन नए बच्चों के लिए भी हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या जो मोबाइल रिपेयरिंग कहीं किसी और इंस्टीट्यूट से सीख कर आए हैं, क्योंकि सारी जगह सीखने के बाद तो सब कुछ सेम ही होता है। दोस्तों क्यों प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों लाइफ में इतने उदाहरण हैं कि आपको मोटिवेट होने के लिए कि क्यों हमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक मैच हो रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे ब्रैड हॉग, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपने बॉल पर बोल्ड कर दिया। आपने सुना कि सचिन ब्रेकहोट की बॉल पे आउट हो गए, सो वो दिन ब्रैड हॉग के लिए इतना इंपॉर्टेंट और दुनिया का सबसे बड़ा दिन हो गया। मैच खत्म होने के बाद वो सचिन के पास गए वही बॉल लेके, उन्होंने कहा कि सर इस पे साइन कर दीजिए। सचिन ने कहा कि क्यों भाई, तुमने तो मुझे बोल किया, मेरे को तुम्हारा साइन लेना चाहिए। सो बोला नहीं सर, मैंने आपको बोल किया है, ये बॉल हमेशा ज़िंदगी में मुझे याद रहेगी। तो पता है सचिन ने उस पर साइन नहीं किए दोस्तों, सचिन ने उस पर एक लाइन लिखी। तो दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि सचिन ने उस बॉल पर क्या लिखा, यही कि ये ज़िंदगी की तेरी आखिरी बॉल थी जो तूने मुझे बोल किया, इसके बाद तू मुझे कभी भी बोल्ड नहीं कर पाएगा। ये सुन के ये देख कर जब मैं ये सुनता हूँ, ये इतना लेवल का कॉन्फिडेंस, सो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्यों नहीं मैं इसको अपने अंदर उतारूँ, क्यों नहीं मैं सचिन जैसी सोच रखूँ कि अगर मैंने आज लिख दिया कि 6 महीने के बाद मैं अपने मार्केट का सबसे नंबर 1 किंग कहलाऊँगा, तो दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, सचिन ने ये लाइन कहने के बाद, क्योंकि वो उस दिन उससे बोल्ड हो गया था, उसने घर जाके सोया नहीं, वो घर जाके दूसरों के बारे में बातें नहीं कर रहा है, वो घर जाके यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं तार रहा है, उसने सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की होगी। आप अनुमान लगाइए कि उसने कितने लेवल की प्रैक्टिस की होगी, कितने लेवल उसने प्रैक्टिस की होगी जो वो पहले करता था, उससे भी ज़्यादा उसने प्रैक्टिस अपनी बढ़ाई होगी, वो इतिहास कभी दोहराया नहीं गया दोस्तों। भले ही वो वनडे मैच हो, भले ही वो IPL हो या टेस्ट मैच हो, कोई सा भी मैच हो, ब्रैड हॉग सचिन को कभी दूसरी बार आउट नहीं कर पाया। दोस्तों सच बताओ, हम कभी भी कोई चीज कब करते हैं, जब हमारी इज्जत पे आ जाती है, तो क्यों नहीं अपनी इज्जत पे अपना काम लेके करते। मैं ये सोचता हूं कि अगर एक लाइन में लिखूं पर कॉन्फिडेंस से कि आने वाले 3 महीने या आने वाले 6 महीने में मैं एक दुकानदार के सामने खड़े होकर इस तरह का काम करूंगा कि वो दुकानदार अपने फोन नहीं बने वो मुझे देगा। दोस्तों ये सिर्फ कहने की भी बातें हैं और ये करने की भी बात है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस सबसे मेन है, ये प्रैक्टिस पर है कि आप उसको किस तरीके से लेके जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमें आप जैसा बनना है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सर हमें उस जैसा बनना है, मेरे को सर अपने मोहल्ले में एक काम करता मेरे को उस जैसा बनना है, वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं। दोस्तों इस पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अपने पेंटर मशहूर पेंटर आपने नाम सुना होगा पिकासो, MH हुसैन तो हैं ही, उसके अलावा पिकासो दुनिया के सबसे बड़े पेंटर थे और हैं भी। उनको एक दिन एक रास्ते में एक महिला मिल गई, उस महिला ने उसको पहचान लिया, उन्हें बोला यार आप तो दुनिया के इतने नामी पेंटर हैं, आप मेरे लिए कुछ पेंट कर दो। तो पिकासो ने उससे एक पेंसिल और एक कागज लिया और कुछ भी यहाँ वहाँ ड्रॉ करता था, 5 मिनट के अंदर उन्होंने एक पेंटिंग दे दी। आप देखेगा कि वो कॉन्फिडेंस जो सचिन में था वही पिकासो ने, उसने कहा कि ये पेंटिंग तुम लेके जाओ और अगर तुम इसको बेचती हो तो तुम्हें कम से कम 50 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। ये सुनके उस औरत के होश उड़ गए, उसने बोला और वो हंसने लगी। ये सुनके उस औरत के होश उड़ गए और वो हंसने लगी दोस्तों, वो हंसने लगी
उसके चेहरे पर कि मजाक कर रहे हो क्या, तुमने तो कुछ भी लाइन पेंट कर दी, मुझे तो पेंटिंग तक समझ में नहीं आ रही है, तुम कहते उसके 50 लाख मिल जाएंगे। सो वो पिकासो वहां से चला गया। तो दोस्तों वो जो लेडी थी वो उस पेंटिंग को लेके एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गई और वहां जाके उसने उसको सेल किया और आप विश्वास नहीं मानेंगे वो वाकई में 50 लाख के ऊपर बिकी। दोस्तों उसके बाद उस महिला ने पिकासो को 6 महीने तक ढूंढती रही और एक दिन उसको फाइनली वो मिल गए। तब उन्होंने कहा कि आपने वाकई में सच कहा था, 5 मिनट की बनाई हुई पेंटिंग 50 लाख में बिकी, मुझे भी ऐसी कला सीखनी है, आप मुझे भी ऐसा कुछ सिखा दीजिए कि मैं 5 मिनट में कुछ भी बना दूं और लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। क्या लगता है दोस्तों, ये सेम आपने सुनाई दे रहा होगा? मैंने फिर से आपसे कहा कि बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं आप जैसा बनना है, बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे ऐसा बनना है, बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे वैसा बनना है, किसी के आज को देखकर आप बिल्कुल उस जैसा बनना चाहते हैं और जब आप नहीं बन पाते तो मायूस हो जाते हैं और शायद आप नेगेटिव भी हो जाते हैं। पिकासो ने क्या जवाब दिया होगा? उसने बोला कि मैडम आप मेरी जैसी बिल्कुल बन सकती हो, पर आपको लगता है कि मैंने सिर्फ 5 मिनट में आपको 50 लाख की पेंटिंग बना के दी, अगर आपको भी ये 5 मिनट का काम सीखना है मुझसे या करना है तो आपको मेरे जैसे 30 साल इस काम के लिए देने पड़ेंगे, तब जाके वो 5 मिनट आएगा और 30 सालों में आप शायद कुछ भी ना कमाएं या कमाए तो बहुत कमा लें, पर अगर आप नहीं कमाती और आपने अगर बीच में पेंटिंग बनाना छोड़ दिया या बीच में आपने पेंटिंग बनाया या प्रैक्टिस करना छोड़ दिया सो अब ये 5 मिनट वाली पेंटिंग जिंदगी में कभी नहीं बना सकती। तो क्या तैयार हो तुम? वैसे मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई में तैयार हैं? आप बनना चाहते हैं हमारी तरह, आप बनना चाहते हैं बड़े बड़े सीनियर्स की तरह, क्या वाकई में आप तैयार हैं उन जैसे जो रातों रात काम करते हैं दोस्तों, वो हर घड़ी किसी दूसरे की बुराई ना करके सिर्फ अपनी बुराइयों को आगे रखकर अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ के अपनी आपको कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ाते हैं। सो वो लोग कभी दूसरों के बारे में बात करके अपना टाइम फिजूल नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनके लिए हर एक टाइम उनकी प्रैक्टिस में जाता है। वो नेगेटिव होते हैं वो फिर पॉजिटिव होते हैं, फिर वो नेगेटिव होते हैं फिर पॉजिटिव होते हैं, पर वो अगर बिल्कुल नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे दोस्तों तो वो जिंदगी में वो काम कभी नहीं कर पाएंगे जिसमें बहुत सक्सेस है। दोस्तों मैं अपनी बात कहूं या मैं किसी की बात कहूं, उदाहरण यहां बहुत मिल जाएंगे। दोस्तों एक आखिरी उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे कि सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वैसे ही हॉकी में जो भगवान कहलाते हैं वो है मेजर ध्यानचंद, उनको हॉकी का जादूगर कहते थे। ओलंपिक में जैसे वो खेले या कहीं भी वो खेले लोग यही सोचते थे, लोग यही बोलते थे कि वो हॉकी को कि हॉकी उनकी बॉल से इस तरह से चिपक जाती थी जैसे कि मानो वो मैग्नेट, हॉकी में मैग्नेट लगा के चलते थे। आपको पता है उस पे वो प्रैक्टिस कैसे करते थे? वो रेल की पटरी के ऊपर वो बैलेंस बनाकर वो बॉल को कि बॉल गिर ना जाए वो वहां पर प्रैक्टिस करते थे, जो आप और हम कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लेवल क्या है प्रैक्टिस करने का। उसको प्रैक्टिस तो दुनिया कर रही है पर आपका क्या लेवल है प्रैक्टिस करने का। मैं इसके बाद एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद अगर आप घर जाते हैं तो आपको किस लेवल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किस लेवल पे हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत से लड़के सिर्फ प्रैक्टिकल आईसी निकालना लगाना और डेड वॉल, सीधे आते ही डेड वॉल पे काम करने लगते हैं और वो जो सेक्शंस होते हैं उन पर वो काम नहीं करते। उनको लगता है कि अभी तो मेरे पास कोई सेक्शंस आया नहीं और वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं और जब वो सेक्शंस आते हैं तो उनके दिमाग से गुल हो जाते हैं। दोस्तों लगभग इतनी तो प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ जाए और कभी भी तुम्हारे सामने आए तो तुम उसको रिपेयर कर सको। पर नहीं, प्रैक्टिस का मतलब होता है अपनी एक बार की हुई चीजों को दोहराते रहना बार बार लगातार। दोस्तों मुझे पता है सारी चीज आती है पर फिर भी अगर 10 बार भी अगर एक चीज को दोहरा दी सो वो आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगी कि आप दूसरे को समझा सकते हो। अगर मेरी बात अच्छी लगे और अगर बातों में सच्चाई लगे सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा पर्सनल या बेनिफिट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है। ये मैं इससे खुद मोटिवेट होता हूँ और ये मेरी स्टूडेंट के लिए है कि कभी भी अगर आपको लगे कि लाइफ में अगर हम निगेटिव हो रहे हैं, कभी भी आपको लगे कि मेरे इतने
मेहनत के बाद भी अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा अपने आप को आकलन जरूर कीजिएगा कि सफलता आप किस पैमाने पर मांग रहे हैं, कितना आप अपनी लाइफ में कितने घंटे आप अपने आप को दे रहे हैं और किस लेवल पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इस पर जरूर वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप अपनी सफलता का आकलन निकाल सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इसी तरह जुड़े रहिए चैनल से और वीडियो से। लोगों के साथ इसी तरह बात करके मुझे बहुत खुशी होती है और सच बताऊं तो ये वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर जो एक प्रेरणा आती है वो सिर्फ इसलिए आती है कि ये नहीं कि व्यू आए, ये नहीं कि सिर्फ इसलिए आती है कि अगर एक भी बच्चा अपने दिल में मेरी बातों को बैठा ले और उसकी ज़िंदगी बन जाए तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड जय भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।